कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नारायण 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 नारायण। भगवान का भजन निरंतर नहीं होता है, प्रायः लोगों शिकायत का आग्रह सुनने में आता है, महाराज भजन भजन क्यों नहीं होता है, कभी इसके ऊपर विचार किया है? भजन न होने के कारण, मुख्य कारण है अपने हृदय का निर्मल न होना। निर्मल हृदय में ही निरंतर भगवान का भजन हो सकता है। निर्मल हृदय कैसे हो? तो हृदय तो सबका निर्मल है, मलिनता उसमें बाहर से आई है और वो मलिनता आई है हमारे कारण, अपने कारण, साधक के प्रमाद के कारण। ये मलिनता आई है अपने कृत दोषों के कारण है। एकदम गणित की तरह आप बैठाते चले जाइए, अपना मूल्यांकन करते चले जाइए और यदि तदनुकूल व्यवहार करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। कमीज गंदी नहीं होती है, कमीज तो नित्य साफ है, उसमें गंदगी बाहर से आ जाती है। कमीज को साफ करने के लिए साफ कहीं बाहर नहीं मिलता है। मिट्टी को, चिकनाई को दूर कर देंगे तो कमीज के ऊपर जो गंदगी आदि लगी है उनके मिट जाने से कमीज अपने आप साफ हो जाएगी। तो कमीज साफ करने के लिए पहले हमको पता चले कि हमारी कमीज में गंदगी किस लिए है, किसी रंग के कारण है या किसी चिकनाई के कारण है या अन्य कोई कारण है, और उनको जानने के बाद उस दोष के निवारण का उपाय करो, कमीज साफ हो जाएगी। पहले अपने अंतःकरण के दोषों को मालूम करो। सब कहेंगे महाराज हमको तो मालूम है, झूठ बोलना दोष है, निंदा करना दोष है, सत्य न बोलना दोष है, आदि हम जानते हैं। ये निवृत्त क्यों नहीं होते? हम आपको बता दें, दोषों का निवारण होना, हृदय का शुद्ध होना
और भगवान का भजन करना ये तीन चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है। हृदय शुद्ध है, दोष निवृत्त हो गए तो भगवान का भजन निरंतर होगा। भगवान का निरंतर भजन करने से दोष निवृत्त होते हैं, दोष निवृत्त होने से अंतःकरण निर्मल होता है। तो इसलिए दोषों की निवृत्ति कैसे हो, तो पहले अपने दोषों से परिचित हो। जैसे असत्यवादन इत्यादि दोष है, हम जानते हैं बहुत वीकनेस है, हमको ये दोष मालूम है, लेकिन ये दोष हमको ऊपरी ऊपरी मन से मालूम है कि आंतरिक रूप से मालूम है। इसको थोड़ा आप समझें, सबको मालूम है कि झूठ बोलना पाप है, सत्यान्नास्ति परो धर्मा, लेकिन जहां अपने स्वार्थ की बात आती है तब वहां बड़ी आसानी से, जब ये लगता है कि झूठ बोलने से काम नहीं बनेगा, सच बोलने से काम नहीं चलेगा, झूठ बोलने से काम चलेगा, बिना एक क्षण का विलंब किए हुए हम झूठ बोल देते हैं। हमारे तुलसीदास जी कहते कौड़ियों के लिए लोग ये सब असत कर्म करने लगते, कौड़ियों माने अत्यंत अल्प लाभ के लिए भी। इसका कारण ये है कि आपको आंतरिक रूप से अभी झूठ से होने वाले दोषों का या उसके परिणामों का ज्ञान नहीं है, ऊपर ऊपर से कह रहे हैं, अंदर से दृढ़ ज्ञान नहीं है कि झूठ बोलने से हमारा अंतःकरण मलिन होगा, सत्य का इत्यादि और उसके कारण दोष प्रविष्ट होंगे, ये ऊपर ऊपर से है, अंदर से नहीं है। अगर अंदर से हो जाए तो फिर छोड़ने में कोई देर लगेगी। हमारे यहाँ एक बार बड़ी शानदार खीर बनी है, हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने बनाई बड़ी शानदार खीर, उसमें काला सांप गिर गया। अब वो काला सांप निकाल दिया गया, और अगर हम बता रहे हैं कि विवेकानंद जी के हाथ की खीर है तो समझ लेना कि वो अति उत्तम, उनके हाथ की बनी कढ़ी, उनके हाथ की बनी खीर बहुत प्रसिद्ध है, बड़े प्रसिद्ध। तो अब हमारे डायबिटीज नहीं है, बहुत जोर से भूख लगी है, देखने में खीर बड़ी सुंदर है, खुशबू भी आ रही है, अधौटे दूध में बनी है, हर तरह का आकर्षण उस खीर में मौजूद है हमको डुलाने के लिए। और फिर कोई लिया खीर राम, अरे थोड़ी ले लियो, एक कटोरा पी लियो। हमारे हम थालियों में खीर पीते थे अपने समय में, कटोरी फटोरी कुछ नहीं थी, थाली में लाओ, जब तक सड़पा गए जब तक दोबारा आवे खीर राम तब तक थाली खाली नहीं तो डालेंगे कहाँ, फिर सड़प गए। तो हम लोग कटोरी में नहीं खाते थे खीर, थाली में, इतना बड़ा डब्बू होता था कायदे का, वो हमारे ख्याल से आज हमारे नौजवान लड़के भी मिठाई के लिए मना करते हैं, आश्चर्य होता। तो इतनी बढ़िया खीर है, और कोई कहे खीर लियो तो एको बार सोचोगे कि लेके देख ले, नहीं लोगे, आग्रह करने पर भी नहीं लोगे, क्योंकि मालूम है कि इसमें जहर है, और जहर खाने से हमारे प्राणों के जाने की संभावना है। एक
बार भी विचार नहीं करते हैं कि खीर खाई जाए कि न खाई जाए। क्यों? क्योंकि दृढ़ विश्वास है खीर खाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी, दोष है। उसी प्रकार से माई डियर, केवल दूसरों से सुन लिया, किसी ने कह दिया, इनके सुनने मात्र से, जानने मात्र से ये दोषों का जानना नहीं है। दोषों के जानने का तात्पर्य है उस ओर हमारी प्रवृत्ति अपने आप हो जाए, हमारी प्रवृत्ति अपने आप नष्ट हो जाए। वस्तुतः हम दोषों को दोष न जान करके उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए हम उनमें आसक्त हो गए हैं। और जब तक ये आसक्ति दूर नहीं हो जाएगी, जब अंदर से ये विश्वास नहीं हो जाएगा कि इस झूठ बोलने से इतना बड़ा हानि की संभावना है, तो आप झूठ बोलना नहीं छोड़ पाएंगे। जरा से प्रलोभन से सत्य का तिरस्कार कर दिए। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि पहले दोषों को पहचानो और पहचानने के बाद छोड़ो। सच्चाई के साथ छोड़ते ही विश्वास करो हमारी बात का, वो दोष बिल्कुल भाग जाएंगे। और दोषों के भाग जाते ही आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, और निर्मल अंतःकरण में भगवान का भजन स्वाभाविक रूप से होता है। इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस हमारे निवेदन को केवल सुन करके सिर नहीं हिलाएं, दृढ़ता से यदि इसके पालन का प्रयास करेंगे तो अवश्य मंगल होगा। जय श्री कृष्ण।